राधा राधे, मैं गौरव गौरव शर्मा। लोग प्रश्न करते हैं कि संसार में कैसे रहना चाहिए, संसार में कैसे रहें। तो शास्त्र बड़ी अच्छी बात कहता है कि संसार में अगर रहना है तो संसार के तौर तरीकों के साथ रहिए। बड़े बड़े महात्मा, मठाधीश, योगी, ज्ञानी, लोगों को कहते सुना है कि मोह छोड़ो, माया छोड़ो, धन की लालसा छोड़ो, भूमि छोड़ो, भवन छोड़ो। पर मेरा विचार कुछ अलग है, मैं कुछ अलग सोचता हूं। मेरा यह सोचना है कि संसार में रह रहे हैं तो संसार के साथ रहे। संसार को छोड़ने की आवश्यकता क्या है? परमात्मा ने इतना प्यारा संसार दिया है, ये लोग दिए हैं। श्रीमद् भागवत में भी बड़ी अच्छी बात कही कि देवा गायन्ति अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषाम सिद्ध स्वयं हरि। कह रहे मनुष्यों, कौन सा पुण्य सत्कर्म किया जो तुमने इस भूलोक पर जन्म लिया। तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं को मोड़ने की आवश्यकता है। कोई कहता है अभिमान छोड़ो, कोई जो कहता है क्रोध छोड़ो, ईर्ष्या मत करो। नहीं नहीं, संसार में आए हैं तो संसार के तौर तरीकों के साथ रहना होगा। और सर्वप्रथम तो यह है कि भागवत जी ये कहती हैं कि ये संसार का निर्माण ही अहंकार से हुआ है। अहंकार तीन रूपों में विभक्त हुआ तब इस संसार की उत्पत्ति हुई। तो संसार में रहे, संसार में रहने के पश्चात अहंकार ना हो तो ये संभव नहीं। अहंकार तो होगा, जैसे इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि कोरोना है तो कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। हाँ, सावधान रहना होगा कि आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है और थोड़ी सी लोगों से दूरी बना करके आए। उसी प्रकार ये जो मठाधीश, महात्मा, बड़े बड़े संत साधु कहते रहते हैं कि भाई ये छोड़ो, वो छोड़ो, माया छोड़ो, मोह छोड़ो, है? तो माया मोह तो वही लपेटे रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी चलते हैं, बड़े बड़े सोने के कंठे भी पहने रहते हैं और हमसे कहते हैं कि छोड़ दो। तो नहीं, छोड़ना नहीं है, हमें इसके उपयोग को समझना है। भगवान ने यहां भेजा है तो कलयुग के दोषों से हमें रूबरू होना होगा। और सबसे अच्छी बात यह कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब हम करें, हमें करना कैसे है ये हम जाने। कोई भी महात्मा, कोई भी साधु, कोई भी संत ये नहीं समझाता कि हमें उसका उपयोग कैसे करना है। भाई संसार में रह रहे हैं तो संसार के समस्त दोषों के उपयोग को करना ना सिखाएं। तो इसके लिए बड़ी अच्छी बात मुझे स्मरण होती है कि मनुष्य को काम भी करना चाहिए, पर वो काम कैसा हो? गोपियों के जैसा है, वो भगवान को काम से बजती हैं। अब वो आपका काम सकाम है या निष्काम है ये आपको तय करना है। आप सकाम से भी भगवान को भजिए, आप निष्काम भावना से भी भगवान को भजिए तो आपका कल्याण होगा। कोई कहता है कि अहंकार को छोड़िए, अहंकार को छोड़ना नहीं, अहंकार को मोड़ना है। जैसे रामचरितमानस में सुदीक्षण जी कहते हैं कि अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये अभिमान दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे तो ऐसे अभिमान को करिए। आपको लोभ, लोभ भी छोड़ना नहीं है, लोभ भी करना है। बड़े बड़े संत, महात्मा, योगी, ध्यानी माला फेरते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, त्याग करके, और चाहते क्या है कि हमें भगवान मिले। तो भगवान की प्राप्ति का लोभ उनके मन में है, इसीलिए लोभ छोड़ना नहीं है, लोभ को मोड़ना है भगवान की ओर। और भगवान की ओर जब वो लोभ मुड़ जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो साधुओं की तरह से लोभ करिए। आपको द्वेष करना है तो आप द्वेष भी करिए, शिशुपाल की तरह से द्वेष करिए भगवान से, वैर करिए भगवान से। कैसा वैर? कि वो वैर जब 100 हो जाए तो फिर हम भगवान के हो जाए। तो इसीलिए मनुष्य को वैर करे तो शिशुपाल की तरह करे, भगवान से भय करे। भय भी नहीं छोड़ना, भगवान से भय करे
कैसा भय, जैसा कंस करता है कि हर ओर परमात्मा, हर ओर भगवान कृष्ण का दर्शन होता है, तो भय करे तो कंस की तरह करे। क्रोध करे, क्रोध भी करना है, छोड़ना नहीं। क्रोध करे कैसे करे? क्रोध करे जैसे माँ यशोदा करती है, भगवान के कान पकड़ करके ऐंठ देती है, और भगवान पर क्रोध करती है, भगवान थरथर कांपने लगते हैं, लेकिन वो क्रोध प्रेम भरा है, भगवान को अच्छी बातें सिखाने के लिए वो क्रोध है। क्रोध करे, भगवान राम ने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया, ऐसा कहीं वृत्तांत नहीं आता, पर जब क्रोध करने का समय आया तो क्रोध किया कि विनय न माने जलद जड़, गए तीन दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो भय, क्रोध, ये सब करना है, इसे कहीं छोड़ना नहीं है। आपको ईर्ष्या भी करनी है। ईर्ष्या कैसे करनी है? जैसे लक्ष्मण जी ने की भगवान राम के प्रति। क्या ईर्ष्या है, कितनी प्यारी ईर्ष्या है कि मैं छोटा क्यों बना, बड़ा क्यों ना बना। अगर मैं बड़ा बनता तो भगवान को, यानी प्रभु श्री राम को, अपने बड़े भैया को वन नहीं जाने देता। तो वो ईर्ष्या है कि मैं छोटा क्यों बना, बड़ा क्यों ना बना। और अगली बार फिर वो बड़े बनकर के आए, यद्यपि उनकी चली तब भी नहीं, लेकिन फिर भी ईर्ष्या की। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कुछ भी छोड़ना नहीं है, इसे भगवान की ओर मोड़ देना है। और जब भगवान की ओर मोड़ देंगे तो परमात्मा इनके साथ भी हमें स्वीकार करेंगे और अपने लोक की प्राप्ति कराएंगे। तो संसार में रहकर के संसार के दुर्गुणों से दूर होना संभव ही नहीं है, ये तो करना पड़ेगा आपको। पर करना कैसे है ये सीखना है, इसे सीखने के साथ ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने उन दुर्गुणों को जो संसार से प्राप्त है, उन्हें किस प्रकार से प्रभु की ओर मोड़ना है। बस ये आपने जिस दिन सीख लिया, उस दिन आप परमात्मा के हो जाएंगे। जय जय श्री राधे।